फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 12th ऑफ अगस्त 2021। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों में हमने बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स और दूसरे वीडियोस बनाए, उसके एक तरीके से रिव्यू किए। यहां पर आपको फ्रेंड्स मेनली आज के दो वीडियो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी लेटेस्ट बने हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस है उसके बारे में, और चार ऐसी कंपनियाँ जिसके जो है क्वार्टरली स्टॉक में एक तरीके से जो है ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसे ब्रेकआउट लेवल के पास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, ये थे आज के दो इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको आपको देखना चाहिए। और फ्रेंड्स, दूसरे भी बहुत सारे वीडियो जो आपके नॉलेज को एक तरीके से इन्हांस कर सकते हैं और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रख सकते हैं। सो कैपिटल क्लाइंबिंग को आप सर्च कीजिए और हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपके नॉलेज में एक तरीके से एनहांसमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं आज के डिस्कशंस के बारे में, तो हम जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं स्टील की कंपनी के बारे में, जो कि बेहद ही दिग्गज कंपनी है स्टील की, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उस डिस्कशन को करने के लिए हम आ गए यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और जहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और वो ग्रुप की कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है कंपनी, और आपको यहाँ पर कंपनी के स्टॉक का नाम भी दिखाई दे रहा है, टाटा स्टील लिमिटेड। फ्रेंड्स, टाटा स्टील लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस किए गए। यहाँ पर लिखा है टाटा स्टील के क्वार्टर वन रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹9,768 करोड़। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स ने जो एनालिस्ट एस्टिमेट लगा रहे थे उसको बीट कर दिया है, ऐसा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। चलिए दोस्तों, फर्दर इस आर्टिकल में क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया इवन ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस द कंपनी पोस्टेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सजेस्टिंग अ मिनिमल इंपैक्ट ऑफ सेकंड वेव ऑफ COVID-19। यानी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट पे COVID-19 का जो पेंडेमिक था उसकी सेकंड वेव थी, उसकी जो है मिनिमल इम्पैक्ट देखने को मिली है, क्योंकि वो यहाँ पर उसके रिजल्ट में विजिबल होती है। क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट्स में जो कोरोना की सेकंड वेव की बहुत अच्छी खासी इम्पैक्ट देखने को मिली थी, और उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं तो टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो जंप हुआ 36% से सिक्वेंशियली, और जो है टॉप लाइन ग्रो हुआ 7% से ऑन क्वार्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेनली बात करते हैं तो इन इंडिया कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन सोड 576%। यानी कि पर टन पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 576% से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो इंडिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन जो है 28% से जो है क्लाइम कर चुका है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के यूरोपियन बिजनेस के बारे में, तो वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ऐसा उसके जो कंपनी के एक तरीके से जो ऑफिसर है चीफ फाइनेंशियल कौशिक चटर्जी, उसका कहना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो जो एंड द इम्पैक्ट फ्रॉम रेजिंग स्टील स्प्रेड इज एक्सपेक्टेड टू पॉजिटिवली बेनिफिट इन द कमिंग क्वार्टर। यानी कि जो स्टील के प्राइस में एक तरीके से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, वो एक तरीके से कमिंग क्वार्टर में कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली, ऐसा उसके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स का कहना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाटा स्टील के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसके लिए मैं आपको उस PDF कॉपी पर लेकर के चलता हूँ जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 12th ऑफ अगस्त 2021, और यहाँ पर आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं BSE लिमिटेड और NSE इंडिया लिमिटेड। यानी कि यह PDF कॉपी है जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था हमारे दोनों एक्सचेंजेस को, और कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी वो कमेंस की गई थी मेनली 2:30 पे, और उसको कंक्लूड की गया था जो है 5:30 पे। आइए अब हम बात करते हैं टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करते हैं टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, जो कि क्वार्टर डेट 30 जून 2021 का है, यहाँ पर सभी फिगर्स प्रेजेंट किए वो इंडियन रुपीज करोड़ में फिगर्स प्रेजेंट किए। फ्रेंड्स, अगर मेनली बात करते हैं किसी भी स्टील कंपनी के बारे में, तो उसका मेनली रेवेन्यू होता है स्टील के ऑपरेशन से, या फिर जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग उसको सेल करते हैं उस ऑपरेशन से। यहाँ पर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में, वो दिखाई दे रही है 52,574.34 करोड़। और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रही है 797.47 करोड़। और अदर इनकम की अगर बात करते हैं तो वो दिखाई दे रहे 162.23 करोड़।
यानी कि अगर बात करते हैं टाटा स्टील की टोटल इनकम फ्रॉम रेवेन्यू यानी कि टोटल रेवेन्यू इनकम के बारे में, वो दिखाई दे रही है 53,534.04 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में, तो वो दिखाई दे रही थी 25,662.43 करोड़ रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट रेवेन्यू ने डबल से भी ज़्यादा जंप होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की 31 मार्च 2021 में, वो दिखाई दे रही थी 50,249.58 करोड़ रुपीज़, यानी कि उसमें भी थोड़ी सी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जिसकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमने बहुत सारी कंपनी के रिव्यू किए, उसमें एक ऐसी कंपनी देखने को मिली जिसको जो कोरोना की सेकंड वेव की इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिली, यानी कि उसकी जो शेयर्स लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 की, वो दिखाई दे रही है 10,382.86 करोड़ रुपीज़। अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो वहाँ पर 6,131.03 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। और सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, वो दिखाई दे रही थी कंपनी लॉस मेकिंग थी और कंपनी को 9,631 करोड़ रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा था, यानी कि कंपनी जो एक तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। यानी कि टाटा स्टील एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसको जो लॉस में प्रॉफिट मेकिंग होने में बहुत देर नहीं लगती, लेकिन कोरोना की इम्पैक्ट की वजह से उसमें भी लॉस मेकिंग हो चुकी थी जो पिछले ईयर में। फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में कि किस तरह का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में, बेसिक ईपीएस दिखाई दे रहा था 74 रुपीज़ और 24 पैसे और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा था 74 रुपीज़ और 30 पैसे। यानी कि फ्रेंड्स टाटा स्टील का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 74 रुपीज़ का ईपीएस जो है किसी भी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, इतना अच्छा ईपीएस आपको कहाँ पर भी नहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 57 रुपीज़ और 53 पैसे और 57 रुपीज़ और 19 पैसे रिस्पेक्टिवली, यानी कि मार्च क्वार्टर में भी कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस अच्छे खासे दिखाई दे रहे थे। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 39 रुपीज़ और 1 पैसे, यानी कि वो नेगेटिव बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बना दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और पिछले साल पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, यानी कि कंपनी की जो सेल्स और उसकी ग्रोथ अच्छी खासी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के कुछ की एस्पेक्ट के बारे में जिसको जो कंपनी ने प्रेजेंट किया है, उसको आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया टाटा स्टील रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, वो उसने नेट डेट टू ईबीटा जो इम्प्रूव हुआ है 1.59x, यानी कि डेढ़ गुना हुआ है, डेढ़ गुने से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कंपनी अभी इस पोजिशन में है कि वो अपनी पूरी डेट को रिपे कर सकती है एक सिंगल ट्रांच में। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर उसको फर्दर कंपनी ने बताया कि ईबीटा जो 13.3% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और जो 25.7x है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, वो दिखाई दे रहा है 36.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव होता हुआ। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के नेट फ्री कैश फ्लो के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 3,553 करोड़ रुपीज़ का क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 22 में, और वर्किंग कैपिटल जो एब्जॉर्बिंग करता है वो 8,272 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने स्पेंड किया 2,011 करोड़ ऑन कैपेक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो उस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जिसको जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट या फिर जो कंपनी के दूसरे प्लांट और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग और असेट को असेट लेने के लिए यूज़ किया जाता है, जिस जो अमाउंट को उसको कैपेक्स कहा जाता है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लिखा गया वर्क ऑन पेलेट प्लांट और द कोल्ड रोल मिल कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया वर्क ऑन पेलेट प्लांट एंड कोल्ड रोल मिल, यानी कि उससे जो है एक तरीके से वो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी की ग्रॉस डेट के बारे में, तो वो डिक्रीज हुई है 84,237 करोड़ से, और जो कंपनी की डेट रिपेमेंट हुई है 5,894 करोड़ रुपीज़। नेट डेट है वो डिक्लाइन हुई है 73,937 करोड़ से, और नेट डेट टू ईबीटा यानी कि वो इम्प्रूव हुआ है 1.59x। वो हमने आपके साथ बात की, यानी कि कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो वो दिखाई दे रहा है इम्प्रूव होकर 0.91% से इम्प्रूव होता हुआ। फ्रेंड्स ये थे मेनली टाटा स्टील का की एस्पेक्ट, जिसको हमको आपके साथ डिस्कस करने को इम्पोर्टेंट लगा उसको आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप पूरे जो PDF कॉपी को पढ़ना चाहते हैं तो BSE की वेबसाइट पर जाके टाटा स्टील की क्वेरी को सबमिट करना, आपको जो PDF कॉपी मिल जाएगी और आपको उसे अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल या फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे टाटा स्टील लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिसको हमने आपके साथ डायरेक्ट तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 12th August 2021, और स्क्रिप्ट का नाम दिखाई दे रहा है टाटा स्टील लिमिटेड। फ्रेंड्स टाटा स्टील का प्राइस दिखाई दे रहा है 1433 रुपीज़ और 65 पैसे। आज स्टॉक में 7 रुपीज़ और 45 पैसे की तेज़ी दिखाई दे रही थी, और स्टॉक 0.52% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं टाटा स्टील में आज क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो मेनली 1,09,43,108 शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 31,18,141 शेयर्स की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 28.49% यानी कि ऑलमोस्ट 29% की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाटा स्टील के फ्यूचर स्टॉक के फ्यूचर प्राइस के बारे में, कि उसमें किस तरह का जो एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसको जो हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर गेट डेरिवेटिव कोर्स लिखा है उस पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं टाटा स्टील लिमिटेड के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे, और आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है 26th August 2021, और यहाँ पर स्टॉक के फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 1,33 रुपीज़ और 80 पैसे, और जो है आज उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है 2 रुपीज़ और 45 पैसे की। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि टाटा स्टील के प्राइस स्टॉक के प्राइस के बारे में, वो दिखाई दे रहा है 1,433 रुपीज़ और 65 पैसे, यानी कि फ्यूचर प्राइस या स्टॉक का वो एक तरीके से जो प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़े से पैसों से। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के पैरामीटर के बारे में, तो यहाँ पर 4,72,45,500 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो 12,48,650 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे, और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2.57% की गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि फ्रेंड्स रेज इन प्राइस अलॉन्ग विथ फॉल इन ओपन इंटरेस्ट वो एक तरीके से सजेस्ट करता है बेरिश व्यू से बुलिशनेस की तरह, यानी कि अभी फिलहाल टाटा स्टील में उसके क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद आपको देखना होगा कि किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्टॉक के फ्यूचर प्राइस में एक तरीके से इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, उससे एक जो अंदाज़ा निकलता है कि स्टॉक में जो अभी फिलहाल तेज़ी देखने को मिल सकती है और उसकी जो बेरिशनेस एक तरीके से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स ये एक टाइप का अंदाजा है, किसी भी टाइप की कोई गारंटी या फिर दावा नहीं है, इसलिए आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। और ये थे टाटा स्टील लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके कुछ एस्पेक्ट, और स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है उसकी एक एनालिसिस, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।